हम उतावली नहीं होंगे और ना शैतान जो है हमारे जीवन में या हमारे परिवार में या हमारे समाज में हमारे कलेश में किसी प्रकार की हावी होने नहीं पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम जब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उनकी आज्ञाओं को मानें। यही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है कि परमेश्वर हम सबको जो है अपने प्रेम और अपने विश्वास में हम सबको बनाए रखें। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी से वचन में आशीष दे और इस पोप कि मैं हम लोग गाना की ओर जाएं और मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं जो हमारे लिए रिक्वेस्ट थी और मैं थोड़ा से बाहर निकल गया। तो जोशी का बेटा जो इस समय अस्वस्थ है, तकलीफ में है, तो रिक्वेस्ट है उनकी माँ की ओर से कि उनके लिए हम प्रार्थना करें। तो मैं चाहूँगा कि मंडली खड़ी हो जाए। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस मौका के लिए कि हम इस साबत की संगति ले सकते हैं। इसमें प्रार्थना करते हैं पिता कि भाई जोशी जो पिता आपके विश्वास में आए हुए थे पिता, लेकिन वे विश्वास से भटके के समान हैं, लेकिन फिर भी पिता आप उनसे प्रेम करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं आप उन पर अपनी दया दृष्टि बनाइए ताकि वे पिता फिरे और आपके पास आ सके और इसी तरह से वे अपने पूरे परिवार के साथ होकर के आपकी जय जयकार कर सके। प्रार्थना करते पिता इस समय कि उनके बेटा वो भी अस्वस्थ है, तकलीफ में है, तो उनके हर एक तकलीफ को हर एक समस्या को तू जानता है क्योंकि तू हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है, तो हम सबको जीवन देने वाला महान परमेश्वर है। इसी तहत पिता हम उनके लिए विशेष प्रार्थना रखते हैं तो उनके हर एक तकलीफ को हर एक समस्या को हर एक रोग को तो उन्हें दूर कर उन्हें तो स्वस्थ कर ताकि स्वस्थ हो के पिता आपके नाम के निमित्त तो यहाँ एकत्रित हो सके, आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हम उस परिवार के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय हम सब यहाँ जितने उपस्थित हैं सबों के साथ हों। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर, आमीन। पास्टर साहब को धन्यवाद देते हैं अच्छे सुंदर आज के संदेश के लिए और जैसा हमने लास्ट में पढ़ा पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपने दासों को अपने संदेश के जरिए से परमेश्वर उनको अगुवाई देकर उन्हें बताता गया और उनके दास जो है उसको लिखते गए। लेकिन बाइबल में हम ये देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और वो खुद अपने हाथों से लिख के दिया। क्या लिख के दिया? दो पट्टियों पर परमेश्वर की आज्ञा। और बाइबल बताती है कि एक बिंदु जब तक टल ना जाए, एक बिंदु भी ना तिनका ना उसमें कुछ टल ना जाए तब तक कोई बातें पूरी, तब तक माने किसी की ऐसे कोई ये क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, उसी सारी यूनिवर्स ने कुछ नहीं पर परमेश्वर ने अपने ये सारा चमत्कार जो सृष्टि उसने की और हम उसके सृष्टि हैं, सृजे गए हैं और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए वो दो पट्टी लिख के दिया और वो पट्टी जो था वो मूसा को बाकायदा नाप दे के बॉक्स बनाने के लिए बोला, संदूक बनाने के बोला और उसको वो पट्टी उसमें रखा और उसमें करूब उसमें बास करते थे और बाकी व्यवस्था जो थी
वो संदूक के बाहर टेबल पे रखी होती थी। और वो व्यवस्था जैसे आदम को परमेश्वर ने जब उसने हमने अभी सुना कि जब उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ा तो उन्होंने अपने तरीके से क्या क्या अंजीर के पत्तों को तोड़ के पहनने की कोशिश की, ढकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर अपना प्रेम अनुग्रह बताया और उनको सिखाया कि एक दिन मनुष्य रूप में होकर परमेश्वर अपने बेटे को भेजेगा और बलिदान होगा। और उसने एक मेमने को लिया, बध किया और उसका चमड़ा आदम और हवा को पहना दिया, उस विश्वास के साथ कि एक दिन परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आएगा और हमारे लिए बलिदान होगा। और एक समय आया, उस विश्वास के साथ वो चलते रहे, और एक समय आया यीशु मसीह का आगमन हुआ। हम लोग आगमन के क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात उसने अपने बेटे को इस धरती पर इसलिए भेजा कि वो हमारे लिए अपना प्राण दे। और वो बलिदान जो परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से पहले उसने पहले ठहरा दिया था, इब्रानी पत्र में जब हम पढ़ते हैं कि आरंभ से मेमने के बध हुआ था, और यूहन्ना उसी गवाह देता कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, वो मेमना वहाँ पे बपतिस्मा लेने के वहाँ पे आया था, उसकी गवाही दी और पवित्र आत्मा उस पर उतरा और उसने वो गवाह दी। इसकी सुनो, उस यीशु मसीह की जिसने हमारे लिए वो एग्जाम्पल दे दिया। तो हम अपने तरीके से नहीं मगर परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की उपासना करें। इसलिए हम परमेश्वर का तरीका जो है, जब उसने 7 दिन तक आरंभ किया और उसके बाद 7वें दिन उसने उस दिन को पवित्र ठहराया, और लिखा है आप अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है उसने पवित्र ठहराया, विश्राम किया, पवित्र ठहराया और उसको आशीष दी। और ऐसा कोई भी दिन इसको ऐसा विशेष रूप से ऐसा नहीं लिखा है कि उसको आशीष दी। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर हम मसीही हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें उचित है कि हम उसको मानें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये कितना अच्छी, हम भाग्यशाली हैं कि उस दिन परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और हम उसको भाने के लिए उसकी उपासना करते हैं। परमेश्वर चाहता है हम उसके पास आएंगे और हमें वो प्रेम करता है, इसलिए कहता है ढूंढ। वो इसराइल लोग अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हुए वो भटक गए, और जब ऐसी परिस्थिति में पड़ गए उन्होंने फिर से दोबारा दोहाई दी, परमेश्वर ने उनको वहाँ भी अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। इसलिए नए नियम में क्या सुंदर उड़ाव पुत्र की कहानी दी गई है। वो बेटा भटक गया था, बाप इंतजार करता था, और जब वो लौट के आता है बाप उसको गले लगाता है। सारी पुरानी नियम की बातें नए नियम में उसको नए तरीके से उसको बताया, लेकिन और नया नियम की पुष्टि कौन करता है? पुराना नियम। नया नियम में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? उस जो व्यवस्था जो पहले के जो पुराने नियम में जो बातें लिखी है वो बातें नया नियम में उसको पुष्टि करता है। इसलिए पूरी बाइबल पुराने नियम और नया नियम पूरी बाइबल है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये परमेश्वर की स्तुति हो कि हम एक साथ मिलकर हम उसकी इस दिन को उपासना कर सकते हैं, और सारा संसार अंत में इसी बात की लड़ाई है, और शैतान इस तरीके से उसको ये बना के रखा है कि झुकाव उस तरफ है, फल देखने को अच्छा लगता है, और परमेश्वर की उस अपने स्वरूप बनाया था परमेश्वर ने आदम और हवा को, और कहा कि परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे, कैसे होगे?
जब उन्होंने खाया तब उनको समझ में आया कि वो उन्होंने अपने आप को समझा कि हमने कितनी बड़ी गलती की और आज तक जिस दिन खाओगे तुम उस दिन मर जाओगे। हमने पढ़ा था कि आस्ते आस्ते रोज मरते जाओगे और मरते 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 मिट्टी में मिल जाओगे। और आज जो हम अमर थे हम इस जीवन में जीते हैं तो हमारा रिकॉर्ड बनता जाता है और हम उस महिमा में प्रवेश करने जाते हैं। और ये जो शरीर है एक अंत में मिट्टी मिल जाएगा और एक नया बीज उगाएगा परमेश्वर, फिर से हम उस जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो और स्तुति हो कि हम उस स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार करने सकें और इस दुनिया में रहते हैं हम उसके पीछे चलें। आइए हम सभा को अंत करते हुए गीत गाएंगे, गीत नंबर 105 यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आइए हम सब करवा दें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के शालीम को लेके, संसार को छोड़ के शालीम को लेके, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। गर्माई उसका देते हैं आपके इस तमाम आशीष और अगुवाई के लिए कि आपने हम सबकी सुधि ली और आज के इस पवित्र दिन में हम सबको यहाँ एकत्रित होने में अगुवाई की।
आपके नाम की स्तुति महिमा कर सके और साथ हम साब स्कूल मिशन रिपोर्ट में से हम सीख सकते हैं और इस समय हम बड़ी सभा में हम ये सीख लेते हैं। इन सीख पर आपकी आशीष हो और इसी तरह से पिता हम सबको आप संभालिए। और हम जब इस संसार में रहते हैं हम बहुत सारे चीज़ों को लेके हम चूक जाते हैं पिता, लेकिन तो हम सबका महान परमेश्वर है, हम सबके देखने वाला परमेश्वर है और हम सबकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इसी तहत पिता हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हैं, तो हम सबके संग साथ हो और हम सबकी तो अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबकी सुधि ली है। इसी तरह से जब हम इस सभा से विदा होते हैं हमें तो आशीष के साथ विदा कर। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनो ग्रहण कर। आमीन।